हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और तिलक लगा के स्वागत करता हूँ आपका मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल पर। अच्छी खबर आ रही है भाई लोग, KML लिमिटेड की तरफ से, कृष्णा मारुति लिमिटेड की तरफ से यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है डिप्लोमा वालों के लिए। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है और ये अप्रेंटिसशिप पूरी तरीके से होने वाली है MHRD NATS के नियम के हिसाब से, अप्रेंटिस एक्ट 1961 के हिसाब से। डिटेल में हम इसी के नोटिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, क्या है खास, क्या खास नहीं है, क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, किस तरह आपको अप्लाई करना है, हर चीज बताता हूँ। आखिरी तक बने रहिएगा मेरे साथ। मेरा नाम है अंकित, आप देख रहे हैं मैकेनिकल गुरु। चलिए करते हैं इस वीडियो को शुरू। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अच्छा लगता है, मुझे मोटिवेशन मिलता है इसी तरीके का। अच्छा अच्छा कंटेंट मैं आपको लगातार बना के देते रह पाता हूँ। इसके अलावा हमारा नया चैनल इंजीनियरिंग गुरु MG 2.0, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, देखा नहीं है, तो आप बिल्कुल एक बार देख लीजिएगा। मैकेनिकल अगर आपकी ब्रांच नहीं है तो जरूर उसको सब्सक्राइब करना, उस चैनल को, आपके लिए वहां पे जॉब अपडेट्स आ रही हैं। तो भाई लोग, जैसा मैंने बताया, KML मोल्डिंग की तरफ से, कृष्णा मारुति लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आया, यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है थ्रू NATS के थ्रू या अप्रेंटिस ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है प्राइवेट सेक्टर में। भाई लोग, जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृष्णा मारुति लिमिटेड इंटीरियर बनाने की, इंटीरियर मैन्युफैक्चरिंग की एक लीडिंग कंपनी है। इसके अलावा ओरिजिनल कंपोनेंट्स का सप्लाई भी ये करती है मारुति सुजुकी में, सुजुकी मोटरसाइकिल में, स्कूटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में। तो बहुत अच्छा मौका रहेगा डिप्लोमा वालों के लिए, अगर आप यहाँ से अप्रेंटिस करना चाहते हो, बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल है, मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ, डिप्लोमा वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, बीई बीटेक एलिजिबल नहीं है। तो डिप्लोमा में कौन कौन सी ब्रांचेस अप्लाई कर सकते हो, कितनी पोस्ट है बात करते हैं, तो मैकेनिकल के अंदर मैकेनिकल और अलाइड ब्रांचेस, मतलब मैकेनिकल के अंदर जितनी भी ब्रांचेस है वो मैकेनिकल की पोस्ट के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मैकेनिकल में 15-15 पोस्ट निकली हुई है। भाई लोग, मैकेनिकल के अंदर अगर आपकी ब्रांच आती है, चाहे वो ऑटोमोबाइल हो, प्रोडक्शन हो, मैकेनिकल के अंदर अगर आपकी ब्रांच आती है तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड ब्रांचेस के अंदर 2 पोस्ट निकली हुई है। इलेक्ट्रिकल के अंदर अगर आपकी ब्रांच आती है, इलेक्ट्रिकल के इक्विवेलेंट है, तो आप बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। और आखिरी में प्लास्टिक टेक्नोलॉजी के लिए 10 पोस्ट यहाँ पे निकली हुई है। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो स्टाइपेंड आपको 8,000 रुपीज, 8,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। MHRD NATS के थ्रू जो गवर्नमेंट कंपनी जुड़ती है वो 3,500 रुपये स्टाइपेंड देते हैं, ये 8,000 रुपीज दे रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। मैं पहले बता दूं, आप यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे, अगर आपको ट्रेनिंग करना है तभी आप अप्लाई कीजिएगा। फॉर्म भरने की कोई भी फीस नहीं रखी गई है। और अगर आपको यह लगता है कि आप जॉब लग जाएगी ट्रेनिंग के बाद, तो ट्रेनिंग के बाद अप्रेंटिसशिप में जॉब लगना बहुत मुश्किल रहता है, लेकिन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस आपको काम आता है। 1 साल के एक्सपीरियंस के रूप में आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर किसी PSU में एडवांस ट्रेनिंग की पोस्ट निकलती है तो उसके लिए अप्रेंटिस वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो यह कुछ फायदे होते हैं अप्रेंटिसशिप के। मैं आपको बता दूं, यह ऑल ओवर इंडिया रिक्रूटमेंट, आप पूरे भारत से अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि आपको डोमिसाइल चाहिए पड़ेगा किसी स्टेट का। फर्स्ट क्लास पास आउट होने चाहिए, अगर आप डिप्लोमा फर्स्ट क्लास पास आउट है, 60% के साथ पास आउट है, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। फाइनल ईयर में है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते। डिप्लोमा पास आउट 1/4/2017 के दिन या इसके बाद अगर आप डिप्लोमा पास आउट हो चुके हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने कहीं से पहले अप्रेंटिस ट्रेनिंग किया हुआ या फिर कहीं पे करना स्टार्ट कर दिया तब छोड़ दिए हैं तो भी आप एलिजिबल नहीं होंगे। एज लिमिट यहाँ पे मैक्सिमम 25 साल, 25 ईयर्स रखी गई है। एज ऑन 1/10/2018 तक आपकी उम्र मैक्सिमम एज से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करें तो आपके कितने मार्क्स आए, आपके क्या परसेंटेज आया डिप्लोमा में, उस हिसाब से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा स्टूडेंट को और उनको रिटर्न या फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जा सकता है। तो सिलेक्शन आपके डिप्लोमा में कितने आपने मार्क्स लाए हैं, कितने मार्क्स हासिल किए हैं, क्या परसेंटेज हासिल किया, आपको इंटरव्यू या फिर रिटर्न के लिए बुलाया जा सकता है। फॉर्म भरने की आखिरी डेट रखी गई है 5/4/2019, 5 अप्रैल के बाद आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब किस तरह हमको अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह हमको अप्लाई करना है जानते हैं। सबसे पहले आपको MHRDNATS.gov.in में जाना पड़ेगा, वहाँ पे आपको रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने पहले रजिस्टर करके नहीं रखा है तो सबसे पहले आपको रजिस्टर या फिर एनरोल करना पड़ेगा। आपको आपका 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर एनरोलमेंट नंबर लेना पड़ेगा। जब आप एनरोल करेंगे तो आपका बैंक डिटेल्स भी आपसे पूछा जाएगा MHRDNATS में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पैसे वैसे नहीं कटते हैं, वह आपको बताना पड़ेगा।
कोई भी फीस नहीं रखी गई है। तो आप पहले एनरोल कीजिए, 16 डिजिट का रजिस्ट्रेशन नंबर ले लीजिए, उसके बाद आपको वेरीफाई कराना है अपना जो MHRD NATS का अकाउंट है उसको वेरीफाई कराना है। उसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में अलग अलग जगह में MHRD के अलग अलग जगह के अलग अलग जोन के फोन नंबर दिए हुए हैं, तो यहाँ पे आप कॉल करके अपना अकाउंट को वेरीफाई करा सकते हैं। जैसे आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद आपको लॉगिन करना है, लॉगिन करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट रिक्वेस्ट में जाना है, फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में, वहां पे जाके आपको सर्च करना पड़ेगा KML कृष्णा मारुति लिमिटेड के नाम से, KML मोल्डिंग कृष्णा मारुति लिमिटेड के नाम से आपको वहां पे सर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आपके पास दो तीन ऑप्शन आएंगे जिसमें KML का भी ऑप्शन आएगा, वहां पे जस्ट आपको जाके क्लिक कर देना है अप्लाई में और अप्लाई हो जाएगा। अगर रेज्यूम अपलोड करने बोलेगा बीच में तो आपको वहां पे रेज्यूम अपना अपलोड करना पड़ेगा। तो भाई लोग MHRD NATS में आपको रजिस्टर करना है पहले, उसके बाद वेरीफाई करवाना है, उसके बाद लॉगिन करना है, फाइंड एस्टेब्लिशमेंट में जाना है, एस्टेब्लिशमेंट सर्च करना है KML मोल्डिंग लिमिटेड, उसके बाद आपके पास लिंक आ जाएगी KML मोल्डिंग लिमिटेड की, वहां जाके आपको क्लिक कर देना है अप्लाई में और अप्लाई हो जाएगा। तो यही है, छोटा सा प्रोसीजर है, KML मोल्डिंग जुड़ चुका है MHRD NATS के साथ। और यही थी कुछ बातें जो मैं आज आपको बताना चाहता था भाई लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक जरूर करना, शेयर कर देना इसे अपने दोस्तों के साथ, और मैकेनिकल गुरु यूट्यूब चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो लेके आता रहता हूँ। बहुत जल्दी हम लोग मिलेंगे भाई लोग, जय जवान जय किसान।